वेलकम बैक नाजीन। अब वक्त हुआ है पीच स्मूदी बनाने का, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी और बहुत ही रिफ्रेशिंग। और ये भी साथ साथ आपको बताती चलूं कि जो आड़ू है वो आपकी जिल्द के लिए क्या कुछ कर सकता है। एक तो ये है कि वो आपकी जो स्किन की ड्राइनेस है, एक तो उसको दूर करता है। तो खूब सारे आड़ू खाइए या उनकी ड्रिंक्स बनाइए। और एक तो ये कि वो आपके कम्प्लेक्शन को थोड़ा सा लाइट कर देता है और आपको कोई ब्लीचिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये तो आपको फ्रेश फ्रूट, आपको स्किन जो है उसके पिगमेंट्स को लाइट कर देता है। और दूसरी बात यह है कि ये एज़मा, जिन बच्चों को एज़मा होता है कम उम्र से, उसमें अगर आप उनको बहुत से जैसे आड़ू की टार्ट्स होती हैं, स्मूदीज़ होती हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल मानती हूँ कि बच्चों को अगर आप कहें कि वो आड़ू खा लें तो वो ज़रा सा मुश्किल से खाएंगे, क्योंकि वो इतना मीठा नहीं होता, ज़रा सा खट्टा मीठा होता है। तो उनको अगर आप इसी तरह थोड़ी सी चीनी ऐड करके उनको स्मूदी बना के दें तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा मुफीद है, बिकॉज़ वो आपकी जो लंग्स की लाइनिंग है, ब्रोंकाइटिस, एज़मा, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज्यादा मुफीद है। तो नाजीन, हम यहाँ पे लो फैट दूध 1 कप इसमें शामिल करेंगे, साथ हम इसमें 1 कप आड़ू शामिल करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए ये परफेक्ट है, बिकॉज इसमें 80% सिर्फ पानी है। तो जो वजन है, वजन तो है ही नहीं इसमें, तो इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून नाजीन डायबिटीज की चीनी, न्यूट्रा स्वीट या कोई भी स्वीटनर, या अगर आप रेगुलर बना रहे हैं तो इसमें नॉर्मल चीनी और नॉर्मल दूध शामिल कर दीजिए। अच्छा जी, इसमें हम डालेंगे 4 से 5 बर्फ के क्यूब्स और इसको करेंगे हम ब्लेंड अच्छी तरह 60-80 सेकेंड्स। बहुत ही मज़ेदार फ्रूट है, स्पेशली जब आप डाइट कर रहे होते हैं तो बीच में जो लंच और चाय के दरमियान जो टाइम होता है, उस वक्त कई दफ़ा 4, 4:30, 5 बजे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और इंसान के सामने जो भी चीज़ होती है वो खाने का दिल करता है। लेकिन उस वक्त हमें अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज़ उसी वक्त हम अगर कुछ खा लेते हैं उसी से वेट चढ़ता है। तो उन दौरान इसीलिए कहते हैं कि कम मिकदार में काफ़ी दफ़ा, 4 से 5 दफ़ा आपको छोटी छोटी मील्स लेनी चाहिए। लंच भी छोटा होना चाहिए, डिनर भी छोटा होना चाहिए, और जो नाश्ता और लंच के दरमियान जो टाइम होता है वहाँ पे भी एक छोटा सा स्नैक, और जो चाय और खाने के दरमियान जो वक्त होता है उसमें भी एक छोटा सा स्नैक, और उसमें आप इस तरह की स्मूदीज या फ्रेश फ्रूट या फ्रेश वेजिटेबल्स जो आपको पसंद हो वो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो नाजीन, यहाँ पे पीच स्मूदी भी बिल्कुल तैयार है और यहाँ पे मैं सर्व करूँगी आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको, आपके घर वालों को, और अगर हमारे प्यारे बच्चे कहीं हमें देख रहे हैं वो ये ज़रूर ट्राई करें। आजकल छुट्टियां हैं तो वो किचन में ये एक उनके लिए एक नई डिश, नई एक ड्रिंक हो सकती है जो वो ट्राई कर सकते हैं। आसान है, ज़्यादा चूल्हे से दूर है, ब्लेंडर का सिर्फ इस्तेमाल है, तो वो ये ट्राई कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा शो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप ये दोनों रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह कल फिर होगी मेरी और आपकी मुलाकात एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ, बहुत सी ट्विस्ट ऑफ रेसिपीज़ के साथ, हेल्दी रेसिपीज़ के साथ, डिलिशियस रेसिपीज़ के साथ, सिर्फ आपके लिए। तो इंशाल्लाह कल फिर होगी हमारी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए और हेल्दी और फिट रहिए। खुदा हाफिज़।